भाई साहब फिर से मेरे साथ थोड़ा सा पंगा हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली फाइन। इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट आउट बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। तो मैं अभी हूँ आसनसोल में और अभी बज रहा है 9। तो थोड़ी देर पहले ही बहुत फॉग था लेकिन अभी थोड़ा क्लियर हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो मेरा ट्रेन है 1:30 बजे, तो देखते हैं क्या होता। तो आज मेरा जर्नी है 02304 न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 4 दिन चलता है और सैटरडे संडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को, और ये भाया पटना चलती है। और एक पूर्वा एक्सप्रेस है जो भाया धनबाद चलता है और उसका नंबर है 02382, और ये वीक में 3 दिन चलता है, ट्यूजडे मंडे ट्यूजडे एंड फ्राइडे को। तो आज मेरा जर्नी है भाया पटना, मतलब जो भाया पटना पूर्वा एक्सप्रेस है 02304, तो उसी में जर्नी है। तो अभी मैं आऊँ आसनसोल में, और ये देखिए भाई येलो टैक्सी, येलो टैक्सी को देख के कलकत्ता का याद आता है। और येलो टैक्सी भाई बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरा सामने है देखिए तिरंगा, इसको देख के जानी शुरू करते हैं। तो चलिए स्टेशन में जाते हैं। और आसनसोल स्टेशन के बारे में बोला जाए तो यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और स्टेशन कोड है ASN, और ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बंगाल का। और देखते हैं कब ट्रेन आता है। फिलहाल यही है आसनसोल स्टेशन, और आसनसोल स्टेशन 8 बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेन फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से रोजाना 171 ट्रेन गुजरता है। तो स्टेशन का छोटा सा जानकारी मैंने दे दिया, आप स्टेशन के अंदर चलते हैं और कुछ बातचीत करेंगे आप लोगों से। फिलहाल भाई साहब ये रेस्टोरेंट एंड व्हील्स, फिलहाल ये बंद है कोविड की वजह से, कभी कवर करेंगे इसको भी। स्टेशन के बाहर बहुत देर हो गया और हम लोग 1.5 घंटे पहले आ गए ऑलमोस्ट, तो अभी जाते हैं इस बार पक्का स्टेशन के अंदर ही। आदमी सियालदास जी, और पूर्वा एक्सप्रेस टोटल डिस्टेंस कवर करता है 1529 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। और ये गाड़ी न्यू दिल्ली से हावड़ा पहुंचने में टोटल टाइम लेता है 23 आवर्स 55 मिनट्स। तो ट्रेन का छोटी सी जानकारी मैंने दे दिया, और इसका कोच कॉन्फ़िगरेशन जो है तो ऐप में मतलब गलत दिखा रहा है, तो कोच कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं बता देता हूँ। पहले इंजन, उसके बाद EOG, उसके बाद A2A1, और उसके बाद B5 से B1, उसके बाद एक AJ1, और उसके बाद PC, और उसके बाद S9 से लेके S1, और उसके बाद D2 D1, और फिर एक EOG। तो यही कॉन्फ़िगरेशन है। तो ट्रेन का जानकारी मैंने दे दिया, और देखते हैं ट्रेन कब आता है। और ये जो कोच कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला वो मतलब न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में है, तो मतलब डाउन में है, और अभी कोई नहीं है आसपास मेरा, तो मैंने मास्क खोला है। और अभी सियालदह अजमेर आने वाला है प्लेटफॉर्म 5 पे, उसके बाद पूर्वा आएगा क्योंकि हम लोग बहुत आगे आगे हैं। तो अभी सबसे अच्छा बात जो है वो है पूर्वा को अभी ईयर में 130 परमिसेबल कर दिया गया है, यानी कि हम लोग किसी नॉन राजधानी कैटेगरी ट्रेन में 130 का स्पीड एक्सपीरियंस करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। और पूर्वा का आसनसोल में टाइम है 13:26 में, मतलब 1:26 पर, और डिपार्चर है 1:36 पर, और वर्धमान पहुँचेंगे 3:10 पर। तो टोटल 106 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, वो भी 1 घंटा 1 आवर 35 मिनट में। तो देखते हैं बिफोर पहुंचेंगे शायद, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। तो भाई आसनसोल स्टेशन को इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा पहले, बहुत खाली है कोविड की वजह से, अभी भी
मतलब दिसंबर हो गया लगभग 10 महीना। तो आसनसोल के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जो आसनसोल स्टेशन ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1957 टू 1962। तो आसनसोल स्टेशन और पूर्वा एक्सप्रेस दोनों का जानकारी मैंने दे दिया, क्योंकि बहुत लोग बोलता ट्रेन का जानकारी दे दीजिए, तो मैंने दे दिया। अब ट्रेन का अराइवल देखेंगे कब आता है। और मेरा जर्नी है AC 3 टायर में और B1 में मेरा सीट है और यही है। और मेरा जर्नी है आज आसनसोल से वर्धमान तक। पूर्वा 10 मिनट बिफोर आ चुके हैं, तो देखते हैं कब डिपार्चर लेता है। और मैंने जो कोच कॉन्फ़िगरेशन बोला था उसका उल्टा ही है, AC पीछे है, स्लीपर आगे है, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कौन सा दिन में कौन पड़ेगा पता नहीं रहता। फिलहाल अभी भी खड़ा है ट्रेन, कब छोड़ेगा उसी का इंतजार है, 130 का कब मिलेगा। सामने जो H1 का कोच है दिखा देता हूँ। और आसनसोल में इसका साफ सफाई हुआ बाथरूम का, तो बाथरूम दिखा देता हूँ मैं एक बार। लाइट, बड़ा मिरर है, टैब है, इंडियन वेस्टर्न स्टाइल है, अच्छा है, अच्छा। फिलहाल भाई हम लोग डिपार्ट कर गए हैं राइट टाइम 1:36 पे, तो डिपार्चर दिखाता हूँ। फिर से रोक गया, फिर से चालू। हमको भी कर लिया थोड़ा कैमरा ले लीजिए, आप उतर जाइए और बाय कर दीजिए। फिलहाल डिपार्ट कर गए भाई, आप पति के लिए रेडी हो जाओ।
कालीपाड़ी को 31 मार दिया, लेकिन रानीगंज में स्पीड लिमिट है तो वहाँ पर फिर से स्लो हो जाएगा 70 के आसपास, तो देखते हैं। बहुत शानदार चल रहा है भाई, आने का स्किप कर दिया और अभी देखते हैं दूसरा सुबह मिलते हैं। अंडाल ఐసీఏ బనడ ఇంటిగల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చెన్నై। कुछ दिन पहले इसका दुर्गापुर स्किप मारता था 1 दिसंबर के पहले, लेकिन अभी मैं जानी करा हूँ 30 दिसंबर, तो स्टॉपेज दे दिया गया जिस तरह दुर्गापुर का, तो दुर्गापुर का अराइवल दिखा था। भाई हम लोग दुर्गापुर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर टाइम था 2:02 और हम लोग पहुँचे 2:04 पे, 2 मिनट लेट है। और दुर्गापुर के स्टेशन कोड है DGR। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है और ये 2019 में 3rd क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया था इंडिया का। और कुछ नहीं, अब डिपार्चर दिखाता है। तो भाई साहब फिर से मेरे साथ थोड़ा सा पंगा हो गया, तो मतलब एक सीनियर टीटी आता है, बोलता है कि इतना ज़्यादा ब्लॉग मत करो, इतना ज़्यादा बातचीत मत करो ट्रेन के अंदर, और प्राइवेसी मेंटेन करो, और मतलब रेलवे प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल रहा है, तो
ठीक है, अंदर से ही लेंगे वीडियो, ज्यादा बाहर से नहीं लेंगे। तो चलिए बज रहा है 2:40 और खाना क्रॉस कर गए हम लोग। तो बर्धमान कन्फर्म है, हम लोग पहले पहुंचेंगे टाइम से। 3:10 टाइम था, शायद 2:50 में पहुंच जाए, देखते हैं कब। कितने का है भैया? 20 का। तो भाई हम लोग बर्धमान पहुंच गए ऑलमोस्ट 20 बिफोर, 130 का कमाल है। और यहाँ के स्टेशन कोड है VW1 PWN, और यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है। और बर्धमान सेकेंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल का। और क्या बोले, यहाँ का मीरा और लैंगचा बहुत फेमस है, मैं और यहीं पर रखते हैं। और बर्धमान स्टेशन को ओपन किया था इन द ईयर 1855 एंड इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1958। तो यही रखते हैं और लोगों के पास जाते हैं और एक बढ़िया सा थंबनेल लेते हैं उसके बाद। और क्या, बाय बाय। ये रहा लोको, हावड़ा का YF7, सॉरी लालगुटा का YF7, लालगुटा का, सॉरी भाई लोग। तो वीडियो यही रखते हैं, टाटा।